हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कैलीग्राफी की क्लास सेकेंड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कैमलिन आर्टिस्ट ब्रश पेन का यूज़ किया है और यहाँ पे एक स्केच पेन लिया है। कोई भी आप स्केच पेन ले सकते हैं, मेरा स्केच पेन डॉम्स का स्केच मार्क्स है। अगर मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लाइन्स बनाते हैं तो हम सिंगल लाइन बनाते हैं, जब हम नीचे की तरफ बनाते हैं तो हम इसे डार्क बनाते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क करके बनाते हैं। अगर आप स्केच पेन, पेंसिल या पेन से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे डबल कर सकते हो। ये मैं रफली आपको करके दिखा रही हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको जिगजैग करके बना के दिखाती हूँ। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम इसे डबल कर लेते हैं, ऊपर की तरफ फिर से सिंगल, नीचे डबल। ये कल हमने अपनी क्लास में देख लिया था। मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल जो कि बेसिक डिज़ाइन होती है, थोड़ा सा स्टाइलिश में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखकर दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। आप जब स्टार्ट करेंगे कैलीग्राफी लिखना, आप इससे बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। बाकी कैलीग्राफी में बहुत सारे डिज़ाइन होती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बट ये मेरे ओपिनियन में सबसे बेसिक और सबसे इजी डिज़ाइन है। तो मैं आपको ये फर्स्ट वर्ड वर्ड में करके जल्दी से सारे अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखाती हूँ। मैंने ये जो बेसिक डिज़ाइन में आपको ए टू जेड लिख के दिखाया है, उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको इसी पैटर्न पे अपना नाम लिख के दिखाती हूँ। मेरा नाम शिखा है और मैंने इसी तरीके से बेसिक तरीके से लिखा है। मैंने यहाँ पे पहले जो सिंगल कोट थी, क्योंकि मैं ये स्केच पेन से कर रही हूँ, तो मैंने सिंगल कोट को पहले एक बार में लिख दिया है। अब जहाँ पे भी जो पैटर्न होता है कि हम जो नीचे की साइड में लेके आते हैं उसे हम डार्क करते हैं, वो अब मैं पैटर्न अप कर रही हूँ। आप एक एक अल्फ़ाबेट्स को करके कर सकते हो, मैं क्योंकि ये आपको सिखा रही हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो मैं वहाँ पतला रख रही हूँ, जहाँ से मुझे पता है मैंने नीचे के लिए बनाया है वहाँ मैं डार्क कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे ब्रश पेन से भी अभी अपना नाम लिखकर दिखाऊंगी। ब्रश पेन से मैं एक्चुअली लेफ्टी हूँ, तो मेरा प्रेशर जो है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा रहता है। जब मैं डार्क नीचे की तरफ आ रही होती हूँ, डार्क लाइन बनानी होती है। आप राइटी हैं तो आप राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा रखिएगा। मैं ये आपको करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूँगी कि मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल और ये कैलीग्राफी बताने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जल्दी कैलीग्राफी की थर्ड क्लास भी लेकर आऊँगी और आपको बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे मीडियम से, अलग अलग तरीके से पेन से लिखना सिखाऊँगी। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। होप यू एंजॉय द वीडियो। देखिए, जैसा मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं ये लेफ़्ट साइड से मैं प्रेशर डालती हूँ जब मैं नीचे के लिए आती हूँ, आप ये राइट साइड से करेंगे अगर आप राइटी हैं तो, क्योंकि ये लेफ्टियों के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है।